हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चले। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्लास नाइन्थ चैप्टर वन नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सिंप्लीफाई करना है। और उसमें हमारे चार पार्ट है, जो कि मैं पहला लिखा हूँ, बारी बारी से लिख कर सभी को समझाऊंगा। इससे पहले के जितने वीडियो मैं बनाया हूँ उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी वीडियो के लिंक, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सारी चीज़ मैंने नोट्स भी, सारा कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर किया, उसको जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्त, कोई भी अगर आपका दोस्त है आपके बराबर है, मतलब क्लास नाइन्थ में या क्लास टेंथ में, उसको भी शेयर आप कर सकते हैं। क्लास टेंथ का मैं प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए इसको आगे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें, यहाँ पर दिया हुआ है 2 to the power 2/3 और 2 to the power क्या 1/5। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, a to the power अगर m होता है इंटू a to the power क्या होता है n होता है, तो इसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप क्या रखिएगा, याद रखिए, यहाँ पर दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर को ऐड कर देते, 2 to the power 2/3 और प्लस क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, इसको ऐड करेंगे तो देखिए 2 to the power LCM लेंगे, कितना आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 2 to the power 13/15 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या है, 1/3 to the power 3, 2 to the power क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ, ठीक है। इसको भी देखिए सॉल्व करते हैं, इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए a to the power m है, उसके पावर अगर n दिया हुआ है तो उसको क्या करते हैं, am into n कर देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, 1 to the power 7 अपॉन में, और इसको कैसे लिखेंगे, 3 to the power 3, 2 to the power क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिए कि 1 की पावर अगर कुछ भी आप रखते हैं, n, 7, 8 जो भी आप वैल्यू रखेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। और इसका क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21, 3 to the power क्या हो जाएगा, 21 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/3 to the power 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसको अगर और चेंज करना चाहते हैं तो इसको ऊपर लेके चले जा सकते हैं, तो 3 to the power -21 लिख सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था, यहाँ पर रूल लिख दे रहा हूँ मैं, कि अगर a to the power अगर m है तो इसको अपॉन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a to the power -m हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस m है तो यहाँ पे प्लस m हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, इसी का थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 11 to the power 1/2 upon 11 to the power 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मैंने इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ही पहले से समझा चुका हूँ, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जाकर अच्छे से उसको आप देखिए, उसका फॉर्मूला जरूर लर्न कर लीजिए, ठीक है। जब भी जैसे देखिए, ए टू द पावर अगर एम है और अपॉन में क्या दिया हुआ है, ए टू द पावर अगर एन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। ये भी आप रूल याद रखिएगा, मैंने उसमें बताया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 11 है और ऊपर में 1/2 है, तो 1/2 और -1/4 इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 और नीचे आते हैं, ठीक है। देखिए 11, 1/2 और 1/4 को जब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 4 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 - 1, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 to the power 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अभी यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे क्वेश्चन पे आ गए हैं, कौन सा, पार्ट 4 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 पे आ गए हैं। पार्ट 4 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 7 to the power 1/2 into 8 to the power क्या दिया हुआ, 1/2। यहाँ पर क्या, देखिए बेस सेम नहीं है, ध्यान से समझेंगे अगर आप, ये हमारा होता है बेस सेम नहीं लेकिन पावर सेम है। तो अगर इस तरीके से लिखा जाए, ध्यान से समझिए, ए टू द पावर अगर एम है इंटू बी टू द पावर अगर एम है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी टू द पावर एम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रूल होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। जब बेस सेम नहीं, पावर अगर सेम है तो पावर को सेम रखेंगे, बट उन दोनों का अंदर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 7 और 8 का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर उसमें क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा। जैसे इसको आप करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 56, और 56 के पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर भी की है, जितना भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उसको मैंने अच्छे से बताया है। सारी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, जाकर विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।